वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यार फ्रैक्शन से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन, इसको हमें कवर करना पड़ेगा और फिर हम मूव करेंगे फ्रैक्शन पे, ठीक है। तो आई होप कि पिछली वीडियोस देखी होंगी आप लोगों ने, नोट्स वगैरह बनाए होंगे। नोट्स चेक करने हैं, मुझे ध्यान रखना है, बस मैं एक दो दिन में आपसे सारे नोट्स मांगने वाला हूँ जितने आपने नोट्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है। सारे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। फ्रिक्शन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको डिस्कस करते हैं रॉकेट प्रोपल्शन को, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्शन में आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा आई गेस कि इट वर्क्स ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। ये पढ़ते हो आप कि रॉकेट में क्या होता है, वी हैव फ्यूल और हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो वहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं बहुत तेज़ी से, है ना, एंड बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलती हैं गैसेस। तो ये क्या करती हैं, इन गैसेस में एक मोमेंटम आता है नीचे की तरफ और ये रॉकेट को धक्का मार के नीचे निकलती हैं, पुश करके ऊपर, ठीक है। तो इट वर्क्स ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, कि फोर्स अप्लाइड ऑन द रॉकेट बाय द गैसेस, गैसेस का मोमेंटम नीचे होगा वो नीचे आएंगे और रॉकेट को पीछे ऊपर की तरफ पुश मार के निकलेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये फॉर योर स्कूल एग्जाम्स, है ना, और IIT में भी इसको क्वेश्चन बनते हैं इस पर। वेरिएबल, इसको वेरिएबल मास सिस्टम भी बोलते हैं, है ना, रॉकेट प्रोपल्शन और नोट करिएगा वेरिएबल मास सिस्टम। वाई वेरिएबल मास सिस्टम, आप देख रहे हो जो रॉकेट ऊपर जाएगा, है ना, तो रॉकेट में फ्यूल बहुत ज़्यादा होता है, रॉकेट का इनफैक्ट मास कम होता है, जो आप लंबा सा रॉकेट देखते हो तो फ्यूल ही फ्यूल भरा होता है मोस्टली, ठीक है। तो जैसे ऊपर बर्न करेगा इसका मास कम होता रहेगा, है ना। अभी तक हम लोगों ने जो लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था उसमें एक ब्लॉक होता था, पुली होती थी, है ना, तो किसी का मास चेंज नहीं होता था। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल मास सिस्टम, क्योंकि रॉकेट के ऊपर जाने पर उसका मास धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो मैंने लिखा नहीं तो प्लीज़ आप नोट करना, रॉकेट प्रोपल्शन और वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या ड्राइव करने वाले हैं, अभी हम लोग ड्राइव करने वाले हैं कि रॉकेट की वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, रॉकेट की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाले हैं कि अगर वहाँ से गैसेस निकल रही हैं और रॉकेट का मास धीरे धीरे कम हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी को हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया है कि ग्रेविटी इज ज़ीरो, है ना, जहाँ पे ये बात चल रही रॉकेट प्रोपल्शन की वहाँ पे हमने ग्रेविटी को क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, ठीक है। तो ग्रेविटी इज इग्नोर्ड, देयर इज नो ग्रेविटी, ठीक है। देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेस इज अज्यूम टू बी ग्रेविटी फ्री। अब देखिए क्या होगा, यह कह सकते हैं हमने ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर कर दिया है, ग्रेविटी फ्री या ग्रेविटी के इफेक्ट को हमने इग्नोर कर दिया है, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, इसको हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन से डराइव करते हैं एक्सप्रेशन को, ठीक है। देखिए एक रॉकेट है, इसका मास एम वेलोसिटी वी, इससे गैसेस निकलेंगी तो थोड़ी देर के बाद इसका जो मास होगा वो कम हो जाएगा, एंड दिस इज आफ्टर टाइम dt, आफ्टर वेरी स्मॉल टाइम मास इज एम माइनस dm। व्हाट इज dm, जो गैसेस निकल गई हैं dm उनका मास है, और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे वेलोसिटी v थी तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, मैं साइड में हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट करके कॉपी में नोट करो और नोट करने के बाद फिर वीडियो को दोबारा आप रिज्यूम करके देखिए, ठीक है। तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट, मैं साइड में हो गया हूँ, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। आप देखिए आपको क्या करना है, अब सारी चीज़ देखिए, आप सबसे पहले क्या क्या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसमें, कौन कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। इनिशियल मास इज एम नॉट, रॉकेट का इनिशियल मास एम नॉट है जब वो ग्राउंड पे था, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है जीरो होगी। आफ्टर टाइम टी, जब रॉकेट ऊपर जाएगा इसका मास रिड्यूस करेगा, एंड आफ्टर टाइम टी इट्स मास इज एम, ठीक है। तो दो बातें होती हैं, टाइम टी एंड शॉर्टली आफ्टर टाइम टी, मतलब टाइम dt के बाद थोड़ा सा टाइम टी लेंगे हम, मतलब आफ्टर टाइम टी और उसके बाद थोड़ा सा टाइम dt एक्स्ट्रा होगा, तो उस टी और टी प्लस dt की सारी एनालिसिस होगी, समझ गया आप, टाइम टी एंड टाइम टी प्लस dt। तो भाई क्या हुआ, आफ्टर टाइम टी, ये जो मेरी फिगर है या ये टाइम टी की है, दिस इज एट टाइम टी लिख लेना, और ये जो मैंने फिगर बना रखी है ये किस टाइम की है, दिस इज फॉर टाइम टी प्लस dt आफ्टर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका मास कितना है m, और थोड़ी देर के बाद इससे गैसेस निकल जाएंगी तो टाइम टी प्लस dt पे इसका मास कितना हो गया, एम माइनस डी एम। वेलोसिटी एट टाइम टी इज वी, इसकी वेलोसिटी वी है, थोड़ी देर बाद बढ़ेगी वेलोसिटी वी प्लस डी वी। मास ऑफ द गैस इजेक्टेड dm, ये जो गैस बर्न हो रही बाहर निकल रही उसका मास dm है, है ना, कितने टाइम में, टी और टी प्लस डी टी के बीच में जो गैस निकल गई है दैट इज डी एम।
और जो रिलेटिव वेलोसिटी है गैसेस की वो भी रिलेटिव है, मतलब जो गैस यहाँ पे बर्न होकर निकल रही ना उसकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट दैट इज वी रिलेटिव, इसको मैंने वी रिलेटिव लिख दिया है, वी आर रियल मतलब रिलेटिव, इतनी वेलोसिटी से गैसेस उसके रिस्पेक्ट में निकल रही नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। एंड स्पेस इज अज्यूम टू बी ग्रेविटी फ्री, ग्रेविटी को हमने ग्राउंड मार दिया यहाँ पे, एफ एक्सटर्नल इज जीरो, ठीक है। अब एक बात आइए, अगर किसी सिस्टम पे फोर्स जीरो होता है तो आपको पता है कि इसका मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। अब इतने सारे मैंने वेरिएबल्स लिख दिए हैं, लंबी सी कहानी लिख दी है, बट इसकी डेरिवेशन और इसका एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल सा आएगा और बहुत छोटा सा आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पता है हमें कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो मोमेंटम कंजर्व कराएंगे हम लोग किस टाइम पे, एट टाइम टी एंड एट टाइम टी प्लस डी टी। तो लिखिए आप नोट्स में कि अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन, समझ रहे हो आप, अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन बिटवीन टाइम टी एंड टी प्लस डी टी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मोमेंटम एट टाइम टी, मोमेंटम एट टाइम टी, ओनली रॉकेट एंड इट्स वेलोसिटी, सो मोमेंटम इज एम वी, दिस इज मोमेंटम। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मोमेंटम एट टी प्लस डी टी, मोमेंटम एट टाइम टी प्लस डी टी, तो आप बोलोगे भाई अब तो मोमेंटम थोड़ा यहाँ से ढंग से देखना आप, नो मास ऑफ रॉकेट इज एम माइनस डी एम, डी एम गैसेस निकल गई हैं, तो मास ऑफ रॉकेट इज एम माइनस डी एम एंड इट्स वेलोसिटी स्लाइटली इंक्रीज्ड एंड दिस इज वी प्लस डी वी, ऊपर ही तो बढ़ेगी वी प्लस डी वी, प्लस गैसेज भी तो बाहर आ चुकी हैं, अभी तो सिर्फ ऐसे था पूरा मास इसका रॉकेट कायम था, अभी गैसेज अलग आ चुकी हैं, इसका मास कितना है डी एम, ठीक है। अब बताइए आप, मैं मोमेंटम ऊपर डायरेक्शन में लिख रहा हूँ इन अपवर्ड डायरेक्शन, रॉकेट का पहले मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम को इक्वेट करेंगे, ये मैंने मोमेंटम लिख दिया रॉकेट का जो उसका मास बचा है माइनस डी है, अब मुझे लिखना है गैसेस का, तो आप अपने आप लिखिए गैस का मोमेंटम, वीडियो पॉज करके और देखिए आपका मेरा मैच करता है कि नहीं मैच करता है, तो प्लस डी एम ये गैसेस का मास है, और जब मोमेंटम हम लोग लिखते हैं तो ग्राउंड से लिखते हैं, तो एक बात बताइए ये जो गैसेस हैं इसको चलो मैंने अभी एक ब्लॉक की तरह ट्रीट कर लिया, ठीक है, एंड दिस वेलोसिटी इज वी रिलेटिव, ये वी रिलेटिव से निकलेगा। अब आप काइनेमेटिक्स लॉ ऑफ मोशन कई बार पढ़ चुके हो कि जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी को फेंकते हैं, है ना, जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी को फेंकते हैं तो उसमें मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी ऐड हो जाती है, तो रॉकेट इज ए मूविंग ऑब्जेक्ट और यहाँ से हमने गैसेस को फेंका है तो उसकी वेलोसिटी भी वहाँ पे ऐड करेगी, ठीक है, एंड दिस वेलोसिटी इज वी। तो रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है, रॉकेट की वेलोसिटी तो वी है, ओके, और इसकी वेलोसिटी कितनी, वी रिलेटिव डाउनवर्ड, तो सोचिए इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी। अब मैं मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, मेरे पास दोनों चॉइस हैं, मैं इसको वी रिलेटिव माइनस वी भी लिख सकता हूँ या मैं वी माइनस वी रिलेटिव लिख सकता हूँ, मुझे क्योंकि मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में लिखना है इसलिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि इन गैसेस की अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, तो कितनी वेलोसिटी होगी, वी से इसको रॉकेट ऊपर ले जा रहा है अपने साथ और वी रिलेटिव से नीचे निकल रहा है, तो नेट वेलोसिटी विल बी वी माइनस वी रिलेटिव इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसको नोट कर लेना आप, इसको नोट करिए आप, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विल बी वी माइनस वी रिलेटिव इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो प्लस डी एम इन टू आई विल राइट वी माइनस V relative, ठीक है। देखिए मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लीज इसको चेक करिए आप, है ना, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, V relative is downward direction, V upward, है ना, तो वेक्टर फॉर्म में मुझे जब मैं लिखूंगा तो I will write plus, do you get this point or not, मैं इसे क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, सब वेक्टर्स लगाए, ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसको V plus dV, ठीक है, लेकिन आप देखोगे जब स्केलर फॉर्म में देखोगे इसको तो v ऊपर है dv नीचे है, तो वो स्केलर फॉर्म में ऑटोमेटिकली v माइनस dv बन जाएगा, सॉरी वो v माइनस v रिलेटिव बन जाएगा, क्लियर, v माइनस v रिलेटिव बन जाएगा स्केलर फॉर्म में, लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में दोनों को ऐड करना है, तो राइट v प्लस v रिलेटिव, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, मोमेंटम कंजर्व करा देना। यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो हमें मोमेंटम कंजर्व कराना है इनिशियल एंड फाइनल, मतलब एट टाइम टी एंड एट टाइम टी प्लस डी टी। चलो पहले लिखते हैं मोमेंटम एट टाइम टी। अब दोनों मोमेंटम इक्वेट कराइए, देखिए क्या इक्वेशन बनती है। तो मैं पहले इनिशियल मोमेंटम लिखता हूँ विच इज एम वी, बाद का मैं मोमेंटम लिखता हूँ एम माइनस डी एम एंड इनटू वी प्लस डी वी एंड प्लस डी एम एंड वी प्लस वी रिलेटिव। ठीक है, बस इक्वेट कराइए, देखिए क्या आएगा, अपने आप करिए आप, बाद में क्रॉस चेक करना, कुछ कैंसिल वैंसिल होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, अपने आप सॉल्व करिए, देखिए क्या बच रहा है। तो एम वी प्लस एम डी वी माइनस वी डी एम एंड माइनस डी एम डी वी प्लस डी एम वी एंड प्लस डी एम वी रिलेटिव, ये बचेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, एम वी से एम वी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डी एम डी वी इज वेरी स्मॉल। ठीक है, डी एम डी वी इज वेरी स्मॉल, इसको भी हम इग्नोर मार देंगे। क्यों, डी एम इज वेरी स्मॉल एंड डी वी दोनों स्मॉल है, दो स्मॉल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन एज्यूम इट टू बी नेग्लिजिबल और जीरो, तो इसको हम जीरो पुट कर देंगे। दिस इज एम डी वी माइनस वी डी एम एंड प्लस वी डी एम, ये भी कट गया, माइनस वी डी एम प्लस वी डी एम ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो देखिए मैं आपको बोला था फाइनली बहुत छोटा सा बचेगा कुछ, तो जीरो इज इक्वल टू फाइनली वी हैव एम डी वी, इसको अलग लिख लेना साइड में, डी एम डी वी इज यहाँ पे साइड में लिखना आप, डी एम डी वी इज जीरो बिकॉज बोथ क्वांटिटीज आर वेरी स्मॉल, एम डी वी एंड प्लस वी रिलेटिव डी एम। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया फाइनली, और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एम डी वी इज इक्वल टू माइनस वी रिलेटिव इन टू डी एम। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आगे हमारा। ठीक है, अब देखिए इस एक्सप्रेशन को बेसिकली, तो व्हाट इज एम डी वी, एम डी वी इज बेसिकली यार दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ रॉकेट, समझ रहे हो, ये क्या है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ रॉकेट बेसिकली, नोट करना। एंड व्हाट इज दिस, उसका मास डीएम था, किसका, कैसे उसका मास डीएम था, इनटू वी रिलेटिव, ये पता क्या है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैसेस, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैसेस, और होना भी चाहिए यार, क्यों, जितना रॉकेट का मोमेंटम ऊपर की तरफ चेंज होगा उतना ही गैसेस का मोमेंटम नीचे आएगा, तो दे मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टोरली, दे मस्ट मैग्नीट्यूड वाइज दे मस्ट बी सेम एंड इन वेक्टर फॉर्म दे मस्ट बी ऑपोजिट, तो वो बात यहाँ से प्रूफ हो रही है कि आप देख सकते हो कि दोनों क्या हैं, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक का मोमेंटम नीचे आया, एक का मोमेंटम ऊपर आया है। ठीक है, तो एम डी वी इज माइनस वी रिलेटिव डी एम, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन वन, इसका हम दो बार यूज करेंगे। ठीक है, अब आप हेडिंग लिखिए सबसे पहले थ्रस्ट फोर्स, अब देखते हैं, है ना, कि जब गैसेस निकलेंगी, है ना, तो वो कितना फोर्स अप्लाई करेंगे रॉकेट पे, थ्रस्ट फोर्स, इसको जब गैसेस निकलती हैं तो रॉकेट पे फोर्स अप्लाई करती हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स। ओके, ये सब कहानी कितनी देर में हुई है, क्यों, ये जो कहानी पढ़ रहा हूँ कितनी देर में हुई है, हैपेंड बिटवीन टाइम टी एंड टी प्लस डी टी, सो इफेक्टिवली दिस टाइम इज डी टी। ओके, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टाइम डी टी, ये लिखिए आप नोट्स में, लिखिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टाइम डी टी, वी हैव एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी। वॉट इज एम डी वी बाई डी टी, ये एम इज मास ऑफ रॉकेट, डी वी बाई डी टी इज वी इज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, सो डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, सो बेसिकली दिस इज एम ए एंड दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स, जो रॉकेट में फोर्स आएगा, ये रॉकेट पे फोर्स है ना एम ए,
ms force on the rocket, and that is called thrust force ft, and which is equal to minus v relative dm by dt. इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हमें ये फॉर्मूला क्या रखना है, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है. ये रटने की चीज़ हो गई इस पूरे में इतने में, ठीक है. कुछ याद ना रहे पूरी डेरिवेशन में, मतलब आपको याद हो डेरिवेशन कैसे किया है, दिस फॉर्मूला, दिस इज यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है. और स्कूल में ये डेरिवेशन पूछी जाती है, ध्यान रखना आप, ठीक. कोई आप आई आई टी वाई टी का नहीं पढ़ रहे हो, जस्ट बहुत बेसिक सी और बहुत सी इंपॉर्टेंट बात आपने पढ़ी है. तो दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स. तो क्वेश्चन कैसे आएगा, हमें डीएम बाई डी टी दिया होगा. वॉट इज डीएम बाई डी टी, पता है? डीएम बाई डी टी इज कि जिस रेट से गैसेस बाहर निकल रही हैं, है ना. तो वॉट इज डीएम बाई डी टी, फिर डीएम बाई डी टी इज, डीएम बाई डी टी इज रेट ऑफ एजेक्शन ऑफ गैसेस, मतलब उसका मास डीएम बाई डी टी. तो उसकी यूनिट क्या बनेगी, जो यूनिट बनेगी ऐसा यूनिट केजी पर सेकंड. तो ऐसे दिया होगा कि फ्यूल बर्न होने का रेट दिया होगा, बोलेगा आपसे एक सेकंड में 500 ग्राम फ्यूल बर्न हो रहा है एक सेकंड में, या एक सेकंड में आपसे बोलेगा 1 केजी फ्यूल बर्न हो रहा है. तो दैट विल बी डीएम बाई डी टी, जिस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा है, समझ रहे हो आप. डीएम क्या है यहाँ पे, ये गैसेस का मास है, और डी टी वो टाइम हो गया. तो दिस इज डीएम बाई डी टी. और दिया होगा कि इतनी वेलोसिटी से गैसेस निकल रही हैं विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, कोई वैल्यू दी होगी, और आपसे कहेगा बताइए व्हाट इज थ्रस्ट फोर्स. तो ऐसे इस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, ठीक है. फिर लिखिए वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, नेक्स्ट हेडिंग वी हैव वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट. हमें ये भी तो पता करना है कि रॉकेट की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट. थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, है ना. तो देखिए फिर से इक्वेशन वन को लिखते हैं, एम डी वी इज इक्वल टू माइनस वी रिलेटिव डी एम. ओके, यहां से देख सकते हैं कि वॉट इज डी वी, डी वी इज माइनस वी रिलेटिव डी एम बाई एम. ओके, सो दिस इज डी वी. अब इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी, है ना. तो इनिशियल वेलोसिटी, अब हमें यहाँ पर लिमिट लगानी है, इंटीग्रेट करेंगे. अब अगले चले इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं. नेक्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट डी वी, दिस इज कॉन्स्टेंट, तो वी हैव माइनस वी रिलेटिव, ये बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन वी हैव डी एम बाई एम, ये इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है. नाउ वी हैव टू पुट लिमिट्स, है ना. तो अब मुझे ये बताओ, सबसे शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी, इन द बिगिनिंग, अगर मैं टाइम टी इक्वल टू जीरो की बात करता हूँ तो वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी. ओके, सो डीवी में लिमिट क्या लगाएंगे हम, जीरो से, और फाइनल एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी, चलो वी एज्यूम कर लेते हैं, वेलोसिटी इज वी, जीरो टू वी, है ना. एंड दिस इज माइनस वी रिलेटिव, एंड हियर वी हैव डी एम बाई एम, एंड वॉट शुड बी यूनिट. शुरू में मास कितना था, मैंने आपको बोला था इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इज एम नॉट, और बाद में मास कितना हो गया था, उसके बाद में उसका मास एम ले लिया था मैंने, एट टाइम टी, नहीं एट टाइम टी उसकी वेलोसिटी वी हो गई थी, मास एम हो गया था, तो मैंने लिमिट लगा दी, ठीक है. इसका इंडिकेशन क्या आएगा, इसका इंडिकेशन वी आएगा डी वी का, एंड जीरो टू वी, हियर वी हैव माइनस वी रिलेटिव. ओके, एंड डी एम बाई एम का जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग एम हो जाएगा, और जब भी इंटीग्रेशन होता है तो यार उसका बेस एक्सपोनेंशियल आता है, नेचुरल लॉग जिसको बोलते हैं, बेस इज ई एम नॉट टू एम. यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, तो दिस इज वी माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस वी रिलेटिव, एंड दिस विल बी लिमिट रखने पे लॉग एम माइनस लॉग एम नॉट, ये आएगा, ठीक है. So this is V is equal to minus V relative log M minus log N होता है log M by N, so this will be log M by M naught and base is E. ये हमारा velocity का expression आ गया, ठीक है. अब इस पर कैसे question बनेंगे,
आपको इनिशियल मास दिया होगा रॉकेट का, ठीक है, और क्या दिया होगा आपको कि किस रेट से, मतलब आप कुछ टाइम के बाद आपको उसका मास दिया होगा रॉकेट का कि अब मास इतना हो गया है, और वी रिलेटिव दिया होगा कि किस रेट से गैसेस निकल रही हैं, आपको बताना होगा कि वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, मास कितना होगा आफ्टर टाइम टी, क्यों आफ्टर टाइम टी उसका मास कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे, आप इनिशियल मास से उसको माइनस कर दोगे, है ना, जितनी गैसेस बर्न हुई हैं, ओके। तो ये हमारा है रॉकेट प्रोपल्शन, दो बातें हो गई यहाँ पे, थ्रस्ट फोर्स हो गया एंड वेलोसिटी, ठीक है। ये log m by m नॉट ना, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये मास कम हो रहा है, ठीक है, दिस विल बी नेगेटिव, चले इसको नोट कर लिया, है ना, रब करता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स।